अमित शाह, जो कि कुछ लोग के लिए तो ये भारत के सिर्फ एक होम मिनिस्टर होंगे, पर वहीं दूसरी तरफ इन्हें आज के टाइम के प्रधानमंत्री का चाणक्य माना जाता है। और बीजेपी की गवर्नमेंट को स्टेट लेवल की गवर्नमेंट से नेशनल लेवल की गवर्नमेंट बनाने में अमित शाह जी का काफी बड़ा योगदान रहा है। वो एक ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अपोजिशन पार्टी के हर एक नेता के छक्के छुड़ा दिए हैं, और वो एक ऐसे नेता हैं जिन्हें मोदी जी को मोदी जी बनाने का खिताब दिया जाता है, और इसी वजह से अमित शाह जी को पॉलिटिकल स्पेयर में किंग मेकर कहा जाता है। तो आज की इस वाली वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे अमित शाह जी ने अपने सूझबूझ के बदौलत भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा कैसे बना दिया है, और आखिर क्यों ही उन्हें चाणक्य या फिर किंग मेकर के नाम से क्यों जाना जाता है। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? तो 22 अक्टूबर 1964 मुंबई के एक हॉस्पिटल में गुजराती बिजनेसमैन अनिल चंद्र शाह जी के यहाँ जन्म होता है अमित शाह जी का। उनके बचपन से लेकर के 16 साल की उम्र तक उनका जीवन बीतता है उनके पिताजी के गांव मानसा में, और यहीं पर हमें देखने के लिए मिलता है कि बचपन से ही अमित शाह जी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। उन्होंने अपने जीवन का सबसे पहला चुनाव 13 साल की उम्र में लड़ा था, जो कि होता है क्लास मॉनिटर को चुनने का चुनाव, जिसे अमित शाह जी 75% के बहुमत से जीतते हैं और अपने क्लास के लीडर बन जाते हैं। और तब से लेकर के आज तक वो अपने लीडरशिप क्वालिटी के बदौलत जीतते चले आ रहे हैं। तो शुरुआत से ही उनका परिवार बिजनेस में इन्वॉल्व था, और अमित शाह जी को बचपन से ही बिजनेस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, और इसी वजह से उनका एक छोटा सा पाइप का बिजनेस हुआ करता था जिसे वो बंद करके आरएसएस को ज्वाइन कर लेते हैं, और यहीं से वो संघ के मेंबर बन करके देश की सेवा में लग जाते हैं। मोदी जी और अमित शाह के दोस्ती के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, और इस दोस्ती की शुरुआत भी आरएसएस से ही शुरू होती है। शुरुआत से ही मोदी जी आरएसएस से जुड़े हुए होते हैं, और फिर आगे चल करके अमित शाह भी आरएसएस से जुड़ जाते हैं, और फिर आरएसएस की एक मीटिंग में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहां से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। और फिर साल 1987 में ये दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है जब ये दोनों एक साथ बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, और ये वो टाइम था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी को अपना पूरा सपोर्ट दे दिया था। और इसमें होता यह है कि आरएसएस के काफी सारे मेंबर बीजेपी के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं सब लोगों में से जो दो लोग थे वो थे अमित शाह और मोदी जी, और यहीं से इनकी दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो जाती है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि मोदी जी वो इंसान है जो कि अमित शाह जी को पॉलिटिक्स में लाते हैं। तो ये उस टाइम की बात है जब गुजरात के सीएम शंकर सिंह हुआ करते थे, और यहीं पर मोदी जी शंकर सिंह के पास अमित शाह जी को लेकर के जाते हैं, और उनसे अमित शाह जी के बारे में परिचय कराते हैं कि ये हमारे ही संघ से जुड़े हुए हैं, और ये एबीवीपी के लिए भी काफी सारे काम किया करते हैं। तो अगर आपकी अनुमति हो तो इन्हें भी बीजेपी में कोई काम दे दिया जाए, और फिर यहीं से अमित शाह जी के राजनीतिक सफर की शुरुआत हो जाती है। और फिर साल 1991 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं लाल कृष्णा आडवाणी जी, और ये वही टाइम था जब राम मंदिर का मुद्दा पूरे भारत में आसमान पर था, और लाल कृष्णा आडवाणी जी बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा सामने खड़े थे राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के। और फिर आता है टाइम इलेक्शन का, जिसमें जगह निर्धारित की जाती है लाल कृष्णा आडवाणी जी के द्वारा, जिसे रखा जाता है गुजरात का गांधीनगर, और यहीं पर अमित शाह जी की काफी मजबूत पकड़ होती है, जिसके बाद अमित शाह मोदी जी के पास जाकर के ये अनुरोध करते हैं कि इस इलेक्शन के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दी जाए, क्योंकि अमित शाह का ये मानना था कि अगर गांधीनगर के चुनाव की जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंप दी जाए तो फिर आडवाणी जी वहां पर आकर के खुद से प्रचार करें या ना करें, गांधीनगर की जीत बीजेपी के नाम पर ही पक्की है। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है, लाल कृष्णा आडवाणी जी बहुत ही बड़े मत से वहां पे जीत जाते हैं, और फिर यहीं से बीजेपी को अमित शाह जी के काबिलियत के बारे में पता चल जाता है। और फिर आती है बारी गुजरात के इलेक्शन की, और फिर यहाँ पर भी
अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के मैनेजमेंट को काफी बखूबी से संभाल लेते हैं और कांग्रेस की स्थल से पूरे गुजरात में काफी मजबूत पकड़ होती है और इसी वजह से कांग्रेस को गुजरात में हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जिसके बाद अमित शाह जी अपनी चाणक्य नीति चलाते हैं और फिर चुनाव के लिए एक ऐसा पैटर्न अपनाते हैं जो कि पूरा गेम चेंज करने वाला था, क्योंकि था हर एक गाँव में एक मुखिया जरूर होता है जिसकी हर कोई बात माना करता है। और यही अमित शाह जी का ये दिमाग था कि मुखिया के बाद के गांव के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ दिया जाए और सेम ऐसे ही कुछ किया जाता है गुजरात में, जिसमें लगभग 8,000 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ साथ अमित शाह जी भी जगह जगह पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के साथ गुजरात में जीत जाती है। और फिर उसके बाद मोदी जी और वहां के सीएम के बीच में मतभेद होनी शुरू हो जाती है और इसी वजह से पार्टी मोदी जी को दिल्ली भेज देती है। और ये वो टाइम था जब गुजरात के बड़े बड़े नेता मोदी जी से बात करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन सबका ये मानना था कि मोदी जी अब गुजरात के कोई मेन मेंबर नहीं रह गए हैं और आखिर क्यों कोई मोदी जी से बात करके गुजरात के सीएम से पंगा लेना चाहेगा। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अमित शाह जी मोदी जी से बात बनाए रखते हैं और फिर कुछ सालों बाद जा करके मोदी जी की गुजरात में दोबारा एंट्री हो जाती है और अमित शाह जी भी मोदी जी के स्वागत में पूरा प्लेइंग फील्ड साफ करवा देते हैं, जिसके बाद मोदी जी की गुजरात में काफी धमाकेदार एंट्री होती है और मोदी जी इसी के साथ गुजरात के इलेक्शन तक को जीत जाते हैं। और इस इलेक्शन को जीतने में अमित शाह जी की भी काफी बड़ी भूमिका होती है और फिर आगे चल करके अमित शाह जी गुजरात के होम मिनिस्टर बन जाते हैं और एक टाइम पर तो इनके अंडर में 10 मिनिस्ट्रीज आया करती थी। और फिर इसके बाद अमित शाह जी ने कुछ ऐसा करके दिखाया जिससे कि ये प्रूफ होता है कि अमित शाह ही असली किंग मेकर चाणक्य है, जो कि एक लौते मोदी जी के बेस्ट राइट हैंड हो सकते हैं। तो ये बात है साल 2013 की। 2014 के लोकसभा इलेक्शन सामने होते हैं और एक साल पहले अमित शाह जी इस चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं और इस टाइम पर अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हुआ करते हैं और पिछले 3 इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को काफी बुरी हार झेलनी पड़ती है, जिसके बाद अमित शाह जी अपनी एक और समझदार चाल चलते हैं और लखनऊ के अंदर बीजेपी का एक कंट्रोल रूम का निर्माण कराते हैं, जहां पर नए नए कंप्यूटर सिस्टम्स को लगाया जाता है और यहां पर ज्यादातर आरएसएस के लोग काम किया करते हैं। और फिर जैसे जैसे इलेक्शन पास आते जाता है, इस कंट्रोल रूम को वॉर रूम में चेंज कर दिया जाता है और इस वॉर रूम का ये काम होता है कि यहाँ पर कोई भी कॉल करके ये पूछ सकता है कि कब और कहाँ पर बीजेपी का सम्मेलन होने वाला होता है या फिर कहाँ पर बीजेपी के रोड शोज होने वाले हैं और कैसे बीजेपी के साथ जुड़ा जा सकता है। और इसके बाद इसी वॉर जोन की वजह से 20,000 से भी ज्यादा लोग बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं। और फिर आता है साल 2014। बीजेपी की एक मीटिंग में ये चर्चा की जा रही होती है कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन मोदी जी को कहां से लड़ना चाहिए और यही राजनाथ सिंह अपनी बात रखते हुए ये कहते हैं कि मोदी जी को बिहार के पटना से लोकसभा इलेक्शन को लड़ना चाहिए, जिसके ऊपर अमित शाह जी का ये कहना होता है कि मोदी जी को बिहार के पटना के बजाय उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लोकसभा इलेक्शन को लड़ना चाहिए, जिसके बाद मोदी जी भी वाराणसी से चुनाव लड़ने का निश्चय कर लेते हैं। तो यहां की ये खास बात थी जिसकी वजह से अमित शाह जी ने ये लोकेशन चुना था। पहली बात तो ये लोकेशन हिंदुओं का हब है और दूसरा कि उन्हें काफी अच्छे तरीके से पता था कि अगर यूपी की जनताओं का दिल जीता जा सके तो मोदी जी को बहुमत में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। बीजेपी 282 सीटों के साथ पूरे केंद्र में अपनी सरकार बनाने में संभव हो जाती है और अमित शाह जी के इतने लाजवाब निर्णय के बदौलत 73 सीट्स तो उन्हें उनके खुद के उत्तर प्रदेश से मिल जाते हैं। और इसके बाद से ही अमित शाह जी अपने खुद के एक लड़ाकू अंदाज से जाने जाते हैं और जहां पर भी जिस स्टेट में इलेक्शन होना होता है वहां पर अमित शाह जी सीना तान कर खड़े हो जाते हैं, चाहे उस स्टेट की जिम्मेदारी किसी के ऊपर भी दी गई हो, और अमित शाह जी वहां पर खुद ब खुद जाकर के प्रसार प्रचार किया करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि कुछ ही टाइम पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए थे और इन इलेक्शंस में अमित शाह जी और मोदी जी ने 108 रैलीज की थी और ये सारी रैलीज 28 दिन के अंदर कराई जाती हैं, जिसमें से 66 रैलीज सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी करते हैं, जो कि अपने आप में ही काफी असंभव बात है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर अमित शाह जी नहीं होते तो आज के टाइम पर मोदी जी नहीं होते। तो आपका अमित शाह जी को लेकर के क्या कहना है
आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी टाइप की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं।